दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की जो 5 साल वाली फिक्स डिपॉजिट है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, और साथ ही साथ जानेंगे कि ये नया अपडेट आने के बाद क्यों आपको पोस्ट ऑफिस के 5 साल वाली फिक्स डिपॉजिट में निवेश नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से फिनोटेक यूट्यूब चैनल पर। आइए आज का हमारा ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पोस्ट ऑफिस की 5 साल के FD की रूल्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट 7.5% एनुअली दिया जाता है। इंटरेस्ट आपका क्वार्टरली कंपाउंड किया जाता है और एनुअली आपको पे कर दिया जाता है। मतलब पूरे साल का आपका जितना भी इंटरेस्ट बनेगा क्वार्टरली कंपाउंडिंग से, वो साल पूरा होने पर आपको सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ऐसे ही दूसरे साल का कर दिया जाएगा, और ऐसे ही तीसरे और चौथे का भी, और पांचवा साल पूरा होने पर आपको पांचवें साल का इंटरेस्ट और आपका प्रिंसिपल अमाउंट वापस दे दिया जाएगा। बात करें डिपॉजिट लिमिट की, तो इसमें आपको मिनिमम 1,000 रुपये से अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। मैक्सिमम आप इसमें कितना भी पैसा निवेश कर सकते हैं। मैक्सिमम डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आपने जो एक बार अकाउंट खुलवा लिया और उसमें आपने जितना पैसा जमा करवा दिया, मान लीजिए आपने 1,00,000 रुपये से अकाउंट खुलवा दिया, तो आप उसमें और ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर आप और निवेश करना चाहते हैं पोस्ट ऑफिस की 5 साल की FD में, तो आपको नया अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। और ऐसे आप नंबर ऑफ अकाउंट्स कितने भी खुलवा सकते हैं, लेकिन एक बार खुलवाए गए अकाउंट में आप पैसे ऐड नहीं कर सकते हैं। एक अकाउंट के अंदर आप एक ही बार स्टार्टिंग में ही पैसा जमा करवा सकते हैं। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें, तो कोई भी इंडियन रेजिडेंट इसमें अपना खाता खुलवा सकता है और ज्वाइंट अकाउंट को अप टू 3% मिलकर ओपन करवा सकते हैं। अब बात करते हैं प्री मैच्योर क्लोजर की। प्री मैच्योर क्लोजर यानी आपने अकाउंट खुलवाया था 5 साल के लिए, लेकिन अभी आपको 5 साल पूरा होने से पहले ही पैसे की रिक्वायरमेंट आ गई, कोई इमरजेंसी आ गई या कुछ भी आपको ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई कि आपको इस अकाउंट को बंद करवाना पड़ेगा और आपका अपना पैसा वापस लेना है। प्री मैच्योर क्लोजर के रूल में दोस्तों बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। आइए अब हम जानते हैं कि पहले क्या रूल था, आगे क्या रूल रहेगा। जो पहले रूल था उसमें आप आसानी से इस अकाउंट को बंद करवा सकते थे, जो कि 10 नवंबर 2023 से पहले जो भी 5 साल के FDs करवाए गए हैं, उनको अगर कोई प्री मैच्योर क्लोज करवाना चाहता है तो वो आसानी से इनको करवा सकता है। लेकिन जो नया रूल लागू होगा 10 नवंबर 2023 के बाद जो खाते खोले जाएंगे उनके ऊपर, तो अब इन खातों को प्री मैच्योर क्लोज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए पहले क्या रूल था कि 0 से लेकर 6 मंथ तक, यानी कि अकाउंट खुलवाने के 6 महीने तक तो आप FD को बंद नहीं करवा सकते थे किसी भी सूरत में, लेकिन 6 महीने पूरे होने के बाद आप इस अकाउंट को बंद करवा सकते थे। लेकिन अगर आप 6 महीने से लेकर 12 महीने तक इस अकाउंट को बंद करवाते थे, तो आपको जो 7.5% का इंटरेस्ट है ये नहीं दिया जाता था। आपको सिर्फ नॉर्मल सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट होता है 4%, उस रेट का इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाता था। यानी ज़्यादा नुकसान नहीं होता था आपको। अगर आप 1 साल से पहले अपना ये अकाउंट बंद करवाते थे तो आपको अपना पैसा वापस मिल जाता था पूरा, जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट जमा किया था, और उसके साथ साथ इस अमाउंट पर आपको 4% का इंटरेस्ट रेट भी दिया जाता था। और अगर आप 1 साल पूरा होने के बाद 2 साल से पहले अगर अपना पैसा वापस निकालते थे, तो जो इंटरेस्ट है उसमें आपको 2% का नुकसान हो जाता था। मतलब आपको 7.5% का इंटरेस्ट बताया, लेकिन मिलता था आपको 5.5% का इंटरेस्ट रेट अगर आपने FD को 1 साल से लेके 2 साल के बीच में क्लोज करवा दिया तो। इसमें भी कोई बड़ा नुकसान नहीं है, इमरजेंसी आ जाती है तो पैसा आप निकाल सकते थे और 5.5% का आपको इंटरेस्ट भी मिल जाता था। और अगर आप अपना खाता 4 साल तक रख लेते थे और उसके बाद अगर आप अपना अकाउंट बंद करवाते थे, यानी 4 साल रखने के बाद 5 साल पूरा होने से पहले अगर आप अपना खाता बंद करवा रहे हैं, तो आपको पोस्ट ऑफिस की जो 3 साल वाली फिक्स्ड डिपॉजिट है जिसके ऊपर प्रेजेंटली 7.0% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, उस रेट पर आपको इंटरेस्ट दिया जाता था। तो इस केस में भी आपको कुछ ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं हो रहा था। अगर आपको पैसे की अगर इमरजेंसी आ गई, जाहिर सी बात है पैसा निकालेंगे ही 5 साल पूरा होने से पहले, लेकिन यहाँ पर भी आपको सिर्फ 0.5% का ही नुकसान हो रहा था। लेकिन अब जो रूल में चेंज किया गया है, जो खाते 10 नवंबर 2023 के बाद खोले जाएंगे उनके ऊपर ये रूल अप्लीकेबल होगा कि 4 साल से पहले तो आप अब इस खाते को बंद ही नहीं करवा सकते हैं। 5 साल के FD को आप 4 साल से पहले तो अब क्लोज ही नहीं करवा सकते हैं। तो पहले जो नियम थे उनमें अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती थी 4 साल से पहले, तो आप उनको थोड़ा बहुत नुकसान करके बंद करवा सकते थे। लेकिन अब जो नया रूल आया है, इसके बाद आप इस FD को बंद ही नहीं करवा सकते हैं 4 साल पूरा होने से पहले। लेकिन ऐसा किया क्यों गया है, आखिर इस रूल को बदला क्यों गया है? तो देखिए 5 साल की जो FD होती है वो टैक्स सेवर FD होती है। यानी इस FD का जब आप खाता खुलवाते हैं तो आपको 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रुपये तक की छूट यहाँ पर मिल जाती है। लेकिन काफ़ी लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे।
पाँच साल की एफडी ओपन करवाते थे और उसके बाद में उसको प्री मैच्योरली क्लोज कर देते थे, क्योंकि वहाँ पर इंटरेस्ट में ज़्यादा कुछ बड़ा नुकसान हो नहीं रहा था और बार बार ऐसा करने से टैक्स सेविंग भी हो जा रही थी। पाँच साल वाली जो एफडी होती है वो टैक्स सेवर एफडी है और उसको अगर आप टैक्स सेविंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर रही हैं, टैक्स सेविंग पर्पज़ के लिए अगर आप उसको ओपन करवा रही हैं, तो आपको उसको पाँच साल के लिए रखना चाहिए। पहले ऐसा रूल नहीं होता था लेकिन अब ला दिया गया है, तो अब आप उसको चार सालों तक तो बंद ही नहीं करवा सकते हैं। चार साल रखने के बाद पाँच साल पूरा होने से पहले आप उसको बंद करवा सकते हैं, लेकिन अब आपको जो इंटरेस्ट उस ड्यूरेशन पे मिलेगा वो मिलेगा सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट। अगर आप उसको प्री मैच्योरली क्लोज करवा देते हो तो आपको चार साल का जो इंटरेस्ट मिलेगा वो सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट के अनुसार ही दिया जाएगा। पुराने रूल के अकॉर्डिंग भी अगर आप चार साल बाद अपना एफडी बंद करवाते थे तो 7% का इंटरेस्ट मिलता था, लेकिन अब जो नया रूल है उसके आने के बाद चार साल के बाद भी आप अगर इसको बंद करवाते हैं तो भी आपको सेविंग अकाउंट का ही इंटरेस्ट दिया जाएगा। आपको पाँच साल का इंटरेस्ट है जो 7.5 है वो तभी मिलेगा जब आप इसको पूरा मैच्योरिटी तक रखेंगे, पाँच साल तक इसको होल्ड करेंगे। एग्जाम्पल की बात करें यानी कि अगर आपने 1,00,000 रुपये की एफडी करवाई है तो पहले वाले रूल के हिसाब से आपको हर साल इंटरेस्ट मिलता होगा 7,714 रुपये का। 7.5% के इंटरेस्ट के हिसाब से आपको चार सालों तक इतना पैसा मिलेगा, लेकिन आपने चार साल पूरा होने के बाद एफडी बंद करवा दी तो आपका चार साल का इंटरेस्ट कितना बना, 30,856 रुपये। अब ये चार साल का जो आपको इंटरेस्ट मिल चुका है ये 7.5% के हिसाब से मिला है, लेकिन आपने अगर प्री मैच्योरली क्लोज करवा दिया तो आपको मिलना चाहिए था 7.0% के हिसाब से। अब यहाँ पर इंटरेस्ट तो आपको दिया जा चुका है, उसको तो वापस लिया नहीं जा सकता, तो जो 0.5% पर ईयर वाला जो एडजस्टमेंट है वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से किया जाएगा। तो प्री मैच्योर क्लोज करवाने के बाद आपको तीन साल की जो फिक्स डिपॉजिट है उसका इंटरेस्ट रेट दिया जाना चाहिए जो कि 7% है। तो 7% के हिसाब से आपका पर ईयर का जो इंटरेस्ट बनता है वो बनता है 7,186 रुपये और चार साल का ये बन जाएगा आपको 28,744 रुपये, यानी कि आपको 2,112 रुपये का नुकसान हो रहा था यदि आप अपनी एफडी को चार साल से लेके पाँच साल के बीच में प्री मैच्योरली क्लोज करवा रहे थे। तो प्री मैच्योर क्लोज करवाने से हमें 2,112 का लॉस हो रहा था 1,00,000 रुपये की एफडी पर, जो कि लगभग 2% के आसपास ही है। लेकिन नया रूल आने के बाद अब अगर आप प्री मैच्योर क्लोज करवाएंगे 10 नवंबर 2023 के बाद जो अकाउंट खोले जाएंगे उनको अगर कोई चार साल से लेके पाँच साल के बीच में प्री मैच्योर क्लोज करवा देगा तो जहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा 4% का सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, यानी सिर्फ 16,000 रुपये आपको मिलेंगे। तो कहाँ आपको चार साल का इंटरेस्ट मिल रहा था 30,856 रुपये और कहाँ चार साल का आपको इंटरेस्ट मिलेगा 16,000 रुपये, तो करीब 14,000 रुपये का आपको नुकसान होगा अगर आप पोस्ट ऑफिस की पाँच साल की एफडी को प्री मैच्योरली क्लोज करेंगे नया रूल आने के बाद। तो पहले 2,000 का नुकसान हो रहा था, अब आपको 14,000 रुपये का नुकसान होगा, तो 12,000 रुपये का बीच में डिफरेंस आ गया है। तो अगर आप भी अभी पोस्ट ऑफिस में पाँच साल का फिक्स डिपॉजिट ओपन करवाने वाले हैं तो काफ़ी अच्छे से सोच समझ के ही ओपन करवाइएगा, क्योंकि अब आपको बीच में बंद करवाने वाली सुविधा है वो ख़त्म कर दी गई है। चार साल से पाँच साल के बीच में बंद करवा सकते हैं लेकिन काफ़ी नुकसान हो जाएगा आपको उसमें। तो अगर आप पाँच साल तक पैसा रख पाएंगे तो ही जमा करवाइएगा, लेकिन आप अगर किसी इमरजेंसी फंड की तरह पोस्ट ऑफिस में पाँच साल की एफडी करवाने वाले हैं तो आप ऐसा अभी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अब आप इस पैसे को निकाल नहीं पाएंगे इतनी आसानी से, और चार साल के बाद जहां आप निकाल भी पा रहे हैं तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो वही पैसा आप पोस्ट ऑफिस की पाँच साल की एफडी में जमा करवाइए जो आपको लगता है कि आगे आने वाले पाँच सालों में इसकी ज़रूरत आपको नहीं होगी। ये रूल चेंज किया गया है पोस्ट ऑफिस की सिर्फ पाँच साल वाली एफडी में, एक साल, दो साल और तीन साल वाली एफडी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उनके जो रूल पहले थे आगे भी वही रहने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके समझ में आ गया है। बेसिक जानकारी जो हमने पोस्ट ऑफिस की पाँच साल की एफडी के बारे में दी, उसके बाद जो रूल्स में चेंज किए गए, उसके बाद कैलकुलेशन से समझाया कि कैसे आपको नुकसान हो सकता है इस एफडी से। तो अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए फिनोटेक यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं जल्दी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।